गुड मॉर्निंग एंड सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हम एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा हमारी टेंडेंसी है कि हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करने में, जज करने में और उनकी खामियों को ठीक करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं एज कम्पेयर टू हम अपनी खामियों को ठीक करने की कोशिश करें, खुद को जज करें, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और इस वजह से ना दूसरे इम्प्रूव कर पाते हैं और ना हम खुद इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आज से अगर हम ये एफर्ट करें कि हम कोई भी चीज़ किसी को कहने से पहले अपनी ज़ात में ठीक कर लें और उसको बेशक ना कहें, उसको अपने अमल से दिखा दें, तो कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, उसका असर दूरस होगा, नतायज ज्यादा बेहतर आएंगे। तो आप क्या कहते हैं, आप और मैं आज से ही वादा करें कि हम दूसरों को ठीक करने की बजाय पहले अपने आप को ठीक करेंगे और फिर अपने अमल से एग्जाम्पल बनेंगे ताकि दूसरे लोग हमें देख के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचना शुरू करें। बस उनको ये सोच देनी है आपने, और वो बातों से नहीं, अमल से देनी है। तो ऐसा करने से एक ऐसे मुआशरे का आगाज होगा, मुआशरे में एक ऐसी तब्दीली का आगाज होगा जो मास लेवल पे स्प्रेड आउट होगी और हमारी लाइफ बेहतर होगी और दूसरे लोगों की लाइफ भी बेहतर होगी। आप क्या कहते हैं, करना चाहिए ऐसा? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे हम अपने अंदर से बिला वजह गुस्सा करने की आदत खत्म करते हैं। ड्राइविंग करते हुए अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कुछ आपका आपको रास्ता नहीं दे रहा, कोई ऐसी चीज हो गई है, तो आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। आप मींस मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा, ठीक है? हम दूसरों को पहले रास्ता देंगे, मैं दूसरों को पहले रास्ता दूंगा और उनकी गलतियों को नजरअंदाज भी करेंगे। सो आज से शुरू करते हैं काम अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे, और नई आदत ऐड करते हैं और खराब आदत अपनी पर्सनालिटी से रिमूव करते हैं। हैव अ गुड डे, खुदा हाफिज़।